साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। और ये कहते हुए बात शुरू करनी चाहूंगा कि जिस सांसद पे, जिस पार्लियामेंट पे एक एक दिन में पांच पांच धरने चल रहे हो, उस संसद में बैठी हुई सरकार का जाना एकदम से तय है। और इस देश का युवा और नौजवान, इस देश का युवा और नौजवान और छात्र इस देश के इस सड़क पे आज इसलिए उतरे हैं क्योंकि वो देश की सरकार के लिए 2019 के चुनाव का एजेंडा तय करने आए हैं। और हम लोगों ने एजेंडा सेट कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि इन लोगों ने कहा था 5 साल पहले कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। देश के युवा ने इन पे विश्वास किया और वोट दिया, लेकिन वो नौकरी आज तक क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि देश के युवा ने उसके ऊपर पार्लियामेंट की स्टैंप की मोहर की डिमांड नहीं की। आज जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और तमाम छात्र संगठन यहाँ पे आए हैं, ये आप देखिएगा जो आपके बैनर पर लिखा हुआ है कि भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस देश की जो नई सरकार बने, सबसे पहले जो पार्लियामेंट में एक्ट आए वो भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो, जिस पे चर्चा हो और जिसके माध्यम से इस देश के युवा को रोजगार मिले। ये जब हम कहते हैं कि एजुकेशन कोई भी नहीं है, ये हमारा राइट है, दिस इज नॉट अ प्रिविलेज, तो इसीलिए हम कहते हैं कि देश की पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा कि सबके लिए शिक्षा एक समान, फ्री, कंपलसरी और भी जरूरी तरीके से आज के समय में एजुकेशन को साइंटिफिक होना होगा। इन डिमांड को लेके पूरे देश के नौजवान और विद्यार्थी आज पार्लियामेंट पे इकट्ठा हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर इस देश के किसान को अपनी फसल के मोल के लिए खुद को फाहा लगा के, फांसी लगा के खुद को आत्मदाह करना पड़ता हो, तो हम ये यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं कि जब हम विद्यार्थी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तभी हम ये भी कह रहे हैं कि हम इस देश के किसान को मरने नहीं देंगे, इस देश के नौजवान को मरने नहीं देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये भगत सिंह के, ये अशफाक उल्ला खां के, ये सावित्री बाई फूले के, उनके सपनों पे चलने वाले छात्र संगठन आज 2019 के जब चुनाव का एजेंडा सेट करने आए हैं, तो हम इस बात का आह्वान करते हैं कि ये नौजवान भगत सिंह का उस किताब का मोड़ा हुआ पन्ना खोल के इंकलाब के रास्ते चलेंगे और ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनके हल के लिए ये गवर्नमेंट, जिस बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरे देश में हल्ला मचाते हुए कभी 80 वर्सेस जर्नल को लड़ाने की कोशिश की, कभी मुस्लिम वर्सेस हिंदू को लड़ाने की कोशिश की, हम डिमांड करते हैं कि सबके लिए इस देश में, जब इस देश को आजाद करवाने के लिए किसी ने नहीं सोचा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ या मैं किसी और धर्म से हूँ, जब उन लोगों ने अपनी कुर्बानी देते हुए नहीं सोचा, तो जब रोजगार और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की बात होती है तो इसकी गारंटी भी इस देश में सबके लिए होनी होगी, ताकि इस देश को एकजुट रखते हुए बचाया जा सके। इन तमाम बातों के साथ कि जिस तरीके से एनएमसी बिल लाके, जिस तरीके से जूजीसी को तोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन से स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश की गई, ये लोग, ये विद्यार्थी, ये पूरे के पूरे संगठन तमाम रोज सड़कों पर उतरेंगे और तब तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे जब तक पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुई सरकार, जिसे भगत सिंह ने कहा था कि बोलों को, बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत पड़ती है, ये धमाका आपका ये इकट्ठ, ये हजारों की संख्या में आए हुए स्टूडेंट्स वही काम करेंगे 2019 के इलेक्शन में। तो हम आप साथियों से कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत से तमाम से संगठन अपना सॉलिडारिटी देने आए हैं, जिसमें ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथी तिरुमलाई रमन और उनके प्रेसिडेंट आफताब आलम खान जी आए हैं, यहाँ पे डूटा के और तमाम तरह के टीचर संगठनों के साथी आए हैं, कॉमरेड दिनेश वाशनी जी को देखा, तमाम तरह के संगठनों के साथी
AISF के फॉर्मर लीडर और MP कॉमरेड विनय विश्वामाई है, उन लोगों ने खुद कहा कि स्टूडेंट्स जो साथी हैं वो अपनी बात रखे, हमारा सॉलिडरिटी, हमारा सहयोग आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। तो इन तमाम साथियों की हाजिरी लगवाते हुए और उन लोगों का जिन लोगों ने रिटर्न मैसेज भेजे, जिन लोगों ने सॉलिडरिटी लेटर भेजे, उन सब लोगों की हाजिरी लगवाते हुए कि आइए 2019 का इलेक्शन का एजेंडा ना 2 करोड़ ना ही कोई और आधार बनेगा, वो सबका बुनियादी अधिकार इस पे होना चाहिए। ये शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये शिक्षा में कोई हिंदू मुसलमान और किसी और धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा। ये भगत सिंह का देश है, इस भगत सिंह के देश में हम तमाम साथियों को उसके रास्ते आगे बढ़ना होगा। आप सब साथियों को इनकलाब जिंदाबाद, AISF जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लिव, इन तमाम नारों के साथ आप सब लोगों का क्रांतिकारी इकबाल इस्तकबाल करते हैं और आपको इनकलाब जिंदा बोलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।